वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट कर रहे थे हमारा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने देख लिया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे टू पार्ट्स में हम बनाते हैं। टू पार्ट्स के में हमने डिवाइड किया था, एक था जिसमें हेल्पिंग वर्ब या एक्सेसरी वर्ब से सेंटेंस बन रहे थे और एक था डब्ल्यू एच वर्ड। तो जो हेल्पिंग वर्ब था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं जो है WH word। अब ये WH word मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था तब भी बताया था कि WH word क्या क्या है, फिर भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। What, when, where, why, whose, whom, which, how many, how, sorry, और एक्सेट्रा, जो भी डब्ल्यू एच से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन वाले वर्ड्स आप लोग तो जानते ही हैं। तो अब इन सेंटेंसेस में जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए बताया था तो आपने कंजक्शन इफ़ यूज़ किया था। अब हम यहाँ पर कंजक्शन यूज़ कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ये जो डब्ल्यू एच वर्ड है ये अपने आप में कनेक्टिव वर्ड्स कहे जाते हैं। तो जब कनेक्टिव वर्ड्स ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें कुछ और कनेक्टिव लगाने की ज़रूरत ही नहीं है जब हम डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। आई सेड टू हर कॉमा इनवर्टेड कॉमा हु आर यू। देखिए अब जो सारे चेंजेस हैं टेंस के अकॉर्डिंग प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग वो तो एज इट इज कंटिन्यू ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर बात हुई है कि कनेक्टिव वर्ड हम कुछ और यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो वर्ड है ये अपने आप में कनेक्टिव वर्ड्स माने जाते हैं। ठीक है, तो हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क में, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आस्क्ड हर हु, अब ये जो यू है सेकंड पर्सन है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये हो जाएगा शी, और टेंस का अकॉर्डिंग हमारा आर है तो हो जाएगा वॉज, हु शी वॉज, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। राइट, हम इसका नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। द टीचर said to Hari comma inverted comma why did you not do your homework yesterday? देखिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस टेंस के अकॉर्डिंग आ गए। जितने भी अब तक हमने रूल्स पढ़ लिए थे वो सारे इसके अंदर हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसका इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा द टीचर asked Hari why he, अब did not है तो हम क्या लगाएंगे had not, why he had not डन डन हिज होमवर्क
द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे. एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. He said to me, comma, inverted comma, where do you live? When comma close. He asked me, where I lived. अब हमने यहाँ पे सिर्फ lived क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे do था. जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम वहाँ पर उसको सेकेंड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम. I said to her, comma, inverted comma, who are you, and where are you coming from? Question mark, inverted comma close. I asked her, who she was, and where she was coming from. Right? अब यहाँ पर हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस खत्म होते हैं. अब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट होंगे. मैं इसके कुछ आउटलाइन आपको बता देती हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंस की. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो हमें इंडिकेट करते हैं कि कोई हमें कमांड दे रहा है, कोई हमें एडवाइस दे रहा है, या कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है. तो ये डिफरेंट, एक और डिफरेंट टाइप, यह हमारा सी टाइप होगा. फर्स्ट टाइप में हमने सिंपल ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पढ़े थे, जिसके में हमने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज सीखा, प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग चेंज सीखा. उसके बाद सेकंड पार्ट जो हमने पढ़ा था वो था हमारा इंट्रोगेटिव, जिसमें हमने एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और WH से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस पढ़े थे. अब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस पे. इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि कोई हमें कमांड दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, या फिर हमसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है. इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस आएंगे. इसके बेसिक रूल्स क्या होंगे या कैसे हम इसको सेंटेंस इसके चेंज करेंगे, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. Thank you. सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि कल हमने हिंदी व्याकरण प्रकरण में भाग एक और भाग दो दोनों स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया, जिसमें स्वर संधि के प्रकार और परिभाषा और स्वर संधि के पहली दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इन तीनों के बारे में अध्ययन कर लिया था. आज हम यण संधि और अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे. यण संधि में क्या होता है, अयादि संधि में क्या होता है. अब देखें कि यण संधि और अयादि संधि, यण संधि की बात करें अपन पहले. यण संधि में क्या होता है कि यण संधि में ई ई या उ ऊ, या यदि ई ई उ ऊ तथा री के बाद, इसमें क्या आता है ई ई उ ऊ
री के बाद, री के बाद क्या आ जाएगा? भिन्न स्वर। क्या आएगा? भिन्न स्वर। जब भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर अर्थात अलग, ई ई के साथ उ उ आए, ई ई के साथ अ आ आए, उ उ के साथ ई ई आए, उ के साथ अ आ आए, इस प्रकार री के साथ अ आए, तो भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पर हमें यण संधि का प्रयोग होता है। और यण संधि में सीधा भी पहचान करना हो तो आधा वर्ण आता है। आधे वर्ण जिस भी संधि युक्त शब्द में आधा वर्ण आए, जैसे सुधन आगत, सुधन आगत, तो यहां पर स्वागत शब्द बनेगा। सुधन आगत का क्या बना? स्वागत शब्द बना। तो इस प्रकार यहाँ पर सु का उ और उ के बाद क्या आया? अ आया। तो यदि किसमें ई ई उ उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ई का क्या होगा? तो ई और ई ई का, है ना, ई और ई का क्या हो जाएगा? य। उ उ का हो जाएगा व और री का हो जाएगा र और री का हो जाएगा र हलंत। ठीक है, तो ई ई के बाद क्या है? भिन्न स्वर आता है तो ई ई का तो यह हो गया, है ना, उ का वह हो गया और री का र हो जाता है। तीनों हलंत में, है ना, ये ध्यान रखना है, ये होगा तो आधा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार संधि होगी वो यण संधि होगी। यण संधि पर अपन मूल टॉपिक पर बात करें, यण संधि में क्या है? यण संधि यदि ई ई या उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ई का ध्य हो जाता है, उ का व हो जाता है और औ री का र हो जाता है। हलंत है ना, हलंत भूलना नहीं है, नहीं र पूर्ण हो जाएगा। इसलिए हलंत जहां शब्द है हलंत का प्रयोग करना है। प्राय य व र से पहले स्वर रहित व्यंजन का होना, य व और र, यहां देखना य व और र के पहले स्वर से रहित व्यंजन का होना। जो स्वर से रहित व्यंजन होगा इसका मतलब क्या होगा? हलंत युक्त व्यंजन होगा। यण संधि की पहचान है कि हलंत युक्त होना, आधा वर्ण होना, है ना। तो वहां अब जैसे अभी धन अंतर व्यंजन का होना, अब अभी धन अंतर अभ्यंतर बना, अभी में अगर हम ई की मात्रा हटा देते हैं तो भ बनता है और भ भी वो क्या होगा? हलंत होगा। तो अब और अंतर तो ई है, तो अभी धन अंतर का क्या हो गया? भ आधा रहा, इसलिए हमने आधा लगाया और अंतर ई का क्या हो गया? हमारा यह होता है नियम में, तो यहाँ अभ्यंतर हो गया, ई और अ से यह बना, हमारा अभ्यंतर हो गया। अधिधन अक्ष अध्यक्ष बना, ईधन अ के बाद य बना, अध्यक्ष बना, नीधन आय का न्याय बना, ईधन आ का या बना, अभिधन उदय अभ्युदय बना, ईश के बाद उ लगा, अभी का ई और उदय का उ से यु शब्द बना, प्रतिधन एक प्रत्येक शब्द बना, प्रति का ई और एक का ए से ये बना। हमें ये ध्यान रखना, अ है तो य, आ है तो या, ई है तो ए है तो ये, और उ है तो यु, और ऐ है तो ए है तो ये, इस प्रकार हमें आगे ध्यान रखना है। आगे कुछ उदाहरण और हैं, हम देखते हैं। सुधन अच्छ स्वच्छ, अब सु का भी उ और अ, यदि अ आ के बाद उ के बाद अ आए तो वह होगा, हमारा नियम है। इस प्रकार पितृधन आज्ञा, पितृ का री होता है और आ का आज्ञा का आ, और इस प्रकार रा शब्द बना तो क्या बना? पितृज्ञा। इस प्रकार कौन संधि? यण संधि में, और यण संधि में हमेशा ध्यान रखना आधा वर्ण होगा। जहां पर आधा वर्ण आ जाए वहां पर भी संधि, जैसे प्रतिधन अय प्रत्यय, है ना, इस प्रकार भी हमें ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अयादि संधि। अब अयादि संधि में क्या होता है? अयादि संधि में पूरा नियम अलग है, सबके नियम अलग है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर नियम याद नहीं होगा तो संधि प्रकरण के बारे में हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो अयादि संधि में यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, हमने पहले क्या देखा यण संधि में? ई ई उ उ और री के बारे में देखा था, तो उ ई ई का य, उ का व और री का र हो गया था। यहाँ पर
उ तक तो हो गया, अब ए ऐ और ओ जो चार हमारे हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं उनके बारे में का स्वर संधि में क्या प्रयोग है। तो यदि ए ऐ ओ औ के बाद में कोई भिन्न अर्थात अलग स्वर आए तो ए का अ होगा, ऐ का आय होगा, ओ का अव होगा और औ का आव हो जाता है। जैसे ने दन अन नयन, अब ने का क्या है, ने का ए ठीक है एक मात्रा है और अन का अ अन्य स्वर है। यदि ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर अ आया तो नयन हुआ तो क्या हो गया, ए का अ हो जाएगा, ऐ का आय तो ने दन अ नयन, ए अ ए और अ का अ हुआ तो नयन हुआ, ने दन अख यहाँ ए ऐ है और अ है, जब ऐ मात्रा आ जाए तो आय बनाना है, ऐ धन अ नायक आय शब्द बना तो नायक हुआ। इस प्रकार हो धन अन हवन, बो धन अन भवन, इस प्रकार ओ का बाद अ आना अव होना तो हो धन अन हवन, पो धन अक पावक, औ धन अ से आव हुआ, दो धन अक धावक तो औ धन अ से आव हुआ, गे धन अक गायक, ऐ धन अ से आय शब्द बना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अय आय अव और आव कहाँ पर होगा, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव, इन चारों प्रकारों में अध्ययन होगा। जैसे अपन कुछ उदाहरण से भी देखने का प्रयास करें, अगर जैसे यहाँ बोधन अन भवन, गेदन अक गायक, ने दन अक नायक, इस प्रकार इन तीनों प्रकारों के बारे में यहाँ पर जो आदि संधि थी, अब पूरे स्वर संधि के कुल प्रकार, संधि के कितने पार्ट हैं, स्वर संधि की परिभाषा, स्वरों से स्वरों का मेल होता है और इसके बाद स्वरों के साथ व्यंजनों का मेल नहीं होता है, व्यंजन संधि में व्यंजनों का, इसके बारे में अपन ने देख ली है। इसके बाद प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं, संधि के प्रकरण में स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन 5 प्रकारों के बारे में अध्ययन किया, 5 प्रकारों के कुछ उदाहरण और ढूंढने का प्रयास करें किस प्रकार होगा और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उन्हें भी समझने का प्रयास करें। अब देखें हम बात करें अयादि दीर्घ संधि, दीर्घ में हमेशा दीर्घ होते हैं, दीर्घ होना है ना, वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, दीर्घ होना। गुण में क्या होता है, ए ओ की मात्रा, वृद्धि में क्या हो गया, ए ओ अर वाला है ना, ए ओ अर होना, आई और औ वाला वृद्धि संधि में अपन देखते हैं तो ओ आ के बाद में क्या हो गया था, ओ ए आई और औ वाला है ना परमोज वाला, और यण में आधा वर्ण ध्यान रखना है, आधा वर्ण जहाँ भी होगा वहाँ यण संधि, क्योंकि प्रश्न एग्जामिनर पूछता है कि ऑप्शंस वाले में तो आधा वर्ण सीधा देख करके भी हो जाता है, प्रत्यय हो गया, स्वागत हो गया, यण संधि, और अयादि अंत में हमारा अयादि संधि है जिसमें अय आय अव और आव, इन चारों के से भी अगर ये भी अपने नियम अगर ध्यान में है तो आराम से अपन संधि प्रकरण पूरा समझ सकते हैं। कल हम संधि प्रकरण में व्यंजन संधि के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, उसके प्रमुख नियम कौन कौन से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। एक्सरसाइज ही चल रही है हमारी, लेसन 1 का 1.6 चल रहा है। 1.6 का क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। 18 तक मैंने आपसे कहा था कि ये आपका होमवर्क है, 16 मैंने करा दिया था, 17 18 आपको करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 बता रही हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 19 इज, फर्स्टली आपको 19 में गिवन क्या है, गिवन है कि इफ़
डायरेक्टली आपको बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके बुक में लिखा हुआ है क्या गिवन है। सबसे पहले चीज़ क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ये कहा है कि x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 21 अपॉन 2। ओके, x इज इक्वल टू समथिंग और आपको कुछ प्रूफ करना है। इसमें क्या प्रूफ करना है, जो भी चीज़ प्रूफ करनी है उसको हम लिखेंगे टू प्रूव, या फिर हिंदी मीडियम वाले तो यहाँ लिखेंगे दिया है और यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, तो क्वेश्चन इज ये प्रूफ करना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। क्लियर है ये? अब यहाँ देखो, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब ये पूरा टर्म है और दैट इज इक्वल टू, प्रूफ करना है आपको जीरो, इक्वल टू जीरो ही लाना है। हाँ ओके, तो इज द क्वेश्चन इक्वल टू जीरो लाना है, LHS का को सॉल्व करना है और आंसर हमारा जीरो आना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है विच इज़ x का वैल्यू। अभी तक इन सब का वैल्यूज़ यू डोंट नो, यू नो ओनली द वैल्यू ऑफ x। तो फर्स्ट सबसे पहली चीज़ आपको क्या दे रखी है, तो इसको हम इक्वेशन a दे देते हैं, जो भी आपको प्रूफ करना है उसको। ठीक है, ये इक्वेशन ए ही आपको आंसर तक लेकर के जाएगा, प्रूफ तक लेकर के जाएगा। लेकिन उससे पहले जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो तो हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे एक्स आपको गिवन है 5 माइनस रूट 21 अपॉन 2। ओके, इसके अलावा क्या क्या नीड है, यूनिट एक्स, यूनिट 1 अपॉन एक्स। तो एक्स है, यहाँ से 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। आफ्टर दिस एक्स स्क्वायर भी चाहिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, वो भी ले आएंगे। एक्स क्यूब भी चाहिए और 1 अपॉन एक्स क्यूब भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली वैल्यूज निकालेंगे एक्स की, देन 1 अपॉन एक्स की, फिर पूरा चाहिए तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स भी वैल्यू निकाल देंगे। उसी तरीके से पहले एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड करेंगे, देन 1 अपॉन एक्स क्यूब का, देन दोनों को ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का वैल्यू अलग से निकालना है, देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देन ऐड इट, यू विल गेट योर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर ये वो सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन ए में रख देंगे। नाउ x इज इक्वल टू दिस, हमको चाहिए 1 अपॉन x। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों का रेसिप्रोकल करने पर हमको क्या मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ ठीक है, यहीं पे बता देती हूँ मैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 21 अपॉन 2। अब इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या बनेगा, 1 अपॉन x इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या था, यहाँ पर x के अपॉन में कुछ नहीं था, तो इसका उल्टा हुआ तो क्या बनाइए, 1 अपॉन x। नाउ इसका उल्टा होगा तो 2 अपॉन 5 माइनस रूट 21। ओके, नाउ 1 अपॉन x इज दिस, x इज दिस, दोनों का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू तो आ गया, ठीक है, 1 अपॉन x का भी वैल्यू आ गया, लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो डिनोमिनेटर है दैट इज़ इरेशनल। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने कोशिश की थी कि जितने भी नंबर्स हमारे पास है जितना सिंप्लीफाई हम उनको कर सके उतना ज़्यादा अच्छा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पर फिर से परिमेयकरण करेंगे, तो करते हैं क्या बनेगा, 2 अपॉन 5 माइनस रूट 21 है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ बाय रैशनलाइजेशन। ओके, तो रैशनलाइज करते हैं तो क्या होगा, 5 प्लस रूट 21 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही होगा, तो करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या सिचुएशन होगी, 2 इंटू 5 प्लस रूट 21 और यहाँ पर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ करते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ सी इसके आगे के स्टेप, 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दो, देखो यहाँ पे, ठीक है एक बार के लिए 2 को यहीं पे रख दिया, 5 प्लस रूट 21, ठीक है, इसके बाद का सॉल्यूशन यहाँ है 2 प्लस 5 और यहाँ पर क्या है, 5 का स्क्वायर इज 25, 25 माइनस रूट 21
का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर एक साथ, तो रूट हट जाएगा यहाँ पर, तो क्या आएगा हमारे पास 21, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, 2 5 + √21 इक्वल टू, में सबके 1/x ही चल रहा है, तो बार बार 1/x नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर एरोज यूज़ करते कि इसका नेक्स्ट स्टेप ये है, किसका नेक्स्ट स्टेप ये है, फिर देन एट द एंड लास्ट में 1/x इज इक्वल टू ये चीज़ हम लिख लेंगे, 2 + 5 + √21 / 25 - 21 कितना बनेगा 4। अब देखो 2 2 = 4, तो क्या आया हमारे पास 5 + √21 / 2, तो ये वैल्यू किसका आया है हमारे पास 1/x की वैल्यू, तो वी गेट आवर 1/x वैल्यू विच इज 5 + √21 / 2, और x का वैल्यू तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही हमको क्या चाहिए, x + 1/x, तो अब करते हैं, नाउ वी डू therefore x + 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वेशन नंबर देने का क्या मीन्स है, ये मीनिंग है कि हमको ताकि डायरेक्टली पता चले कि ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़े, डायरेक्टली हमको पता चल जाए कि x का वैल्यू यहाँ पर लिखा है और 1/x का वैल्यू यहाँ है, तो अब हमको चाहिए x + 1/x का वैल्यू, तो ले आते हैं x + 1/x इज इक्वल टू, तो बेसिकली आपको क्या करना है, x + 1/x, तो x की जगह x का वैल्यू रखो, x इज योर 5 - √21 / 2 प्लस, अब यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ, 5 + √21। अब देखो यहाँ पर जब भी हम किसी फ्रैक्शन वाले सम को देखते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2/6 + 5/6, ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, जब भी एलसीएम लिया जाता है तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो इसको एज एलसीएम ले लिया जाता है 6, और फिर डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तब डिवाइडेशन मल्टीप्लाई करने की इतनी नीड नहीं रहती, करो तो भी सेम आंसर बनता है, बट ये एक डायरेक्ट ट्रिक है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर सेम दिख जाए तो मतलब यूज इट एज एलसीएम और डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड करके लिख लो, 2 + 5, दिस इज आंसर इज 7/6, तो ये आंसर, या फिर आप यू सॉल्व करके एज एलसीएम लेकर के करो तो भी सेम आता है, क्यों, एलसीएम इज 6, तो 6/6 1 1 × 2 2, 6/6 1 1 × 5 5, तो इसलिए 7/6, क्लियर है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ देखो, 5 - √2 / 2, तो डिनोमिनेटर जो है आपका एज एलसीएम काम करेगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, तो 5 - √21 प्लस, बीच में प्लस का साइन है, तो +5 + √21, अब ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, देखो -√21 इधर +√21 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और 5 5 क्या होता है 10 10/2 5, तो आपके पास x + 1/x का वैल्यू क्या आया 5, x + 1/x, आप चाहे तो यहाँ पर इससे पहले ये चीज़ भी लिख सकते हैं, x + 1/x किया ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वैल्यूज हमने यूज़ की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, विच इज़ योर x एंड 1/x का वैल्यू, ठीक है, तो जब भी इक्वेशन ऐड होती है तो वैसे ही होता है, LHS LHS आपस में जुड़ जाते हैं, RHS RHS आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5 + 5 = 10/2 विच इज 5, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गया x + 1/x का वैल्यू 5, ओके इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर हम दे देते हैं, उसको हमने इक्वेशन ए दिया था जो फाइनल इक्वेशन थी, तो अब इसको हम क्या दे दें, या तो 1 2 3 कंटिन्यू चलने दो, ठीक है 3 ही रख दिया, ठीक है नाउ अब क्या बारी है, एक्स स्क्वायर भी चाहिए और 1/x² भी चाहिए, और फिर x² + 1/x², उसके लिए x² तो होना चाहिए, तो नाउ यू हैव द एक्स एंड यू हैव द 1/x, दोनों का ही वैल्यू है हमारे पास, हमको चाहिए x का स्क्वायर, ये चाहिए,
तो सिंस वी नो दैट x इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन था, x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 21 अपॉन 2, दिस इज योर x, यू नीड x स्क्वायर, हमको x स्क्वायर चाहिए, तो क्या होगा, दोनों साइड का वर्ग करने पड़ते हैं, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, या फिर लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर, ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ऐसा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर 5 माइनस रूट 21 का होल स्क्वायर अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ओवरऑल स्क्वायर होगा, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर, 5 माइनस रूट 21 का स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, 5 माइनस रूट 21 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 21 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये सॉल्व करना अभी बाकी है, इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, क्या आंसर बनता है चेक करते हैं। तो इन क्वेश्चंस में करना है कुछ नहीं है, जो जो रिक्वायरमेंट है वो वैल्यूज पहले से निकाल के रख लो, और फिर देन जिसमें जो भी इक्वेशन का वैल्यू फाइंड करना है उसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर तो आ गया हमारे पास, नाउ व्हाट डू वी वांट, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 21 का होल स्क्वायर है अपॉन 2 का, ये तो 2 का स्क्वायर 4, तो हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ लेकिन आपको फॉर्मूला मेंशन करना है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये अपन का वाला 4 है, a की जगह कौन 5, b की जगह कौन रूट 21, तो 2ab, तो a की जगह 5, b की जगह रूट 21, यहाँ पर क्या बनेगा बी स्क्वायर यानी रूट 21 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा, ये 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5 टू जै 10 रूट 21 प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ 21 अपॉन 4, बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, 25 प्लस 21 क्या आ जाएगा यहाँ पर 46 माइनस 10 रूट 21 अपॉन 4, क्या इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये यहाँ तक स्टॉप करते हो तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, 46 10 दोनों ही 2 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो यहाँ से 2 से 2 कॉमन निकाल देंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉमन निकाला 2 2 ज़ा 4, 2 कॉमन निकाला इसका मतलब अंदर वाला ईच टर्म, हर एक टर्म उस कॉमन वाले नंबर से डिवाइड होगा, तो 2 तो बाहर निकाल दिया तो 46 की जगह पर क्या आएगा 46 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 तो इसकी जगह पर क्या आएगा 23, दोनों को मल्टीप्लाई कर देखो 46 आता है, ठीक है सही लिखा है, इसका मतलब हमने माइनस की जगह पर माइनस 10 रूट 21, इसमें से भी 2 कॉमन निकला है तो ये अंदर वाला नंबर डिवाइड होगा 2 से यानी कि 10 डिवाइड बाय 2 विच इज़ योर 5, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 रूट 21 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा 23 माइनस 5 रूट 21 अपॉन 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, नाउ व्हाट डू यू वांट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, यू हैव द एक्स स्क्वायर, नाउ यू कैन गेट द 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करने का एक तरीका ये है कि यहीं से इसका रेसिप्रोकल करो एंड डू द नेक्स्ट प्रोसीजर, या फिर 1 अपॉन एक्स हमारे पास है उसका स्क्वायर करो, यू विल गेट द सेम आंसर, ओके, बट इतना लंबा करने का नीड नहीं है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ से हमको सिर्फ क्या चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 3 तक हमारा हो गया था, इसको इक्वेशन 4 दे दो, अब क्या चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 23 माइनस 5 रूट 21, अब क्या करोगे रैशनलाइजेशन कर लो, 2 अपॉन 23 माइनस 5 रूट 21
डिनोमिनेटर सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 23 प्लस 5 रूट 21 अपॉन 23 प्लस 5 रूट 21, ओके। नाउ क्या बनेगा ये, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, नाउ सॉल्व करो इसको, 2 इंटू 23 प्लस 5 रूट 21, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एम एन एस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 5 रूट 21 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 2 को एक बार के लिए ऐसे ही रहने, तो 23 प्लस 5 रूट 21, यहाँ पर क्या बनेगा, 23 का स्क्वायर माइनस 5 रूट 21 का स्क्वायर, यहाँ पर 23 आ रहा है ना, तो या तो ये तरीका है कि यहाँ से वैल्यू ले आओ, या फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को आप स्क्वायर करके भी लेके आ सकते हो, जैसे उसमें करा था ना 1 अपॉन एक्स का वैल्यू, वैसे रैशनलाइज नहीं भी करो तो उससे बेटर तरीका यही है, यहाँ पर क्या ज़्यादा कैलकुलेशन मिलेगी, 1 अपॉन एक्स को हम ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर चुके हैं, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर से नहीं करेंगे इसको, देखो 1 अपॉन एक्स है, इससे भी आंसर तो सेम आएगा बट कोशिश करेंगे वो 1 अपॉन एक्स से, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए, 1 अपॉन एक्स का वैल्यू आपका बना था 5 प्लस रूट 21 अपॉन 2, अब इससे क्या बेनिफिट, ऑलरेडी रैशनलाइज है आपका डिनोमिनेटर, बार बार रैशनलाइज करने की नीड नहीं है, तो करो रैशनलाइजेशन, सॉरी दोनों साइड का स्क्वायर लाइन पर, ऑन टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ऐसी चीज लिखोगे लाइन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 21 का होल स्क्वायर अपॉन, इसका भी स्क्वायर होगा विच इज योर 4, डायरेक्टली लिख लिया क्योंकि अब स्टेप्स आपको समझ में आ गई है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपांड करो, 5 का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, 2 इंटू 5 इंटू रूट 21 प्लस बी का स्क्वायर यानी रूट 21 का स्क्वायर अपॉन 4, चल ही रहा है 25 का स्क्वायर 25 प्लस कितना हो जाएगा, 5 टू जै 10, 10 रूट 21 प्लस रूट 21 का स्क्वायर इज 21 अपॉन 4, क्या बनेगा यहाँ पर देखो, 5 टू जै 10 रूट 21 और ये कितना बन जाएगा 46 प्लस 10 रूट 21 अपॉन 4, ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हो जिससे 4 जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर फोर्टी सिक्स प्लस 10 रूट 2 अपॉन 4, तब यहाँ क्या 2 कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकाला तो अगेन यहाँ पर 23 आएगा, जैसे पहले किया था 5 रूट 2 अपॉन 4 है तो क्या आंसर बना, 23 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 2, अब ये वैल्यू किसका आया आपका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, लास्ट इक्वेशन था वो 4 था, नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5, तो अब क्या करेंगे हम, हमको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू, तो यहाँ से 4 और 5 से वैल्यू हम रख लेंगे, या तो सम कर देना, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 दोनों को ऐड करोगे तो LHS ऐड हो जाएंगे और RHS ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया था 23 माइनस 5 रूट 2 अपॉन 2, और ये है प्लस, ऐड करा 23 प्लस 5 रूट 2 अपॉन 2, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है डायरेक्टली ऐड कर लो न्यूमरेटर्स को, तो क्या बनेगा ये 23 माइनस 5 रूट 2 प्लस 23 प्लस 5 रूट 2, अब देखो प्लस का 5 रूट 2 माइनस का 5 रूट 2 सेम टर्म आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर 46 अपॉन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 23, ये वैल्यू आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, अब इसी तरीके से हमको x क्यूब भी फाइंड करना है और 1 अपॉन x क्यूब भी फाइंड करना है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे,
जो आपका x का वैल्यू स्टार्टिंग में निकाला था उसका क्यूब करोगे। ऑलरेडी रैशनलाइज सारा डिनोमिनेटर, क्यूब करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पहले भी बता चुकी हूँ मैं, और 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू फाइंड करोगे। 1 अपॉन एक्स का जो आप हमने वैल्यू यूज़ यहाँ करा है, इसमें यहाँ पर स्क्वायर किया था, अब हमको नीड है क्यूब की, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करने पर या फिर ऑन टेकिंग क्यूब बोथ साइड, तो यहाँ पर स्क्वायर की बजाय क्यूब होगा, तो इसका होल क्यूब और नीचे वाले नंबर का भी होल क्यूब होगा। आगे सॉल्व करते जाना, फिर एक्स दोनों इक्वेशन आ जाएगी, एक्स क्यूब की, 1 अपन एक्स क्यूब की, दोनों को ऐड करेंगे, एक फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपके पास 3 इक्वेशन अवेलेबल है, एक्स प्लस 1 अपन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स क्यूब। इन तीनों वैल्यूज़ को हम रख देंगे इक्वेशन ए में, जो कि आपका प्रूफ है, उसका LHS में रखेंगे वैल्यूज़, आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। ठीक है, देन हैंस प्रूफ। ठीक है, ट्राई करना है, नहीं होता है तो हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास 9, यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 27 कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था रेजिन्स का एक एक्सपेरिमेंट लिया था, उसके बाद बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं इतने क्लास से, है ना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ें देखी थी, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, वो दो प्रोसेस देख लिया था। उसके बाद अब सेकेंड टाइप स्टार्ट हो रहा है कि मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें किस तरह से मटेरियल्स, किस तरह से मॉलिक्यूल्स, किस तरह से मिनरल्स का मूवमेंट होता है, जो मूवमेंट होता है वो जो होता है वो दो तरह से होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है। तो पैसिव हमने पढ़ लिया, अब हम स्टार्ट कर दिया था एक्टिव, उसका पैराग्राफ में मैंने आपको बता दिया था। फिर आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको बेसिक समझना हो तो इसके टेबल से समझ लो। मैंने कहा था कि ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिक डिफरेंस देखो कि दोनों में अलग बात क्या होती है, दोनों में क्या चीज़ है, क्या पॉइंट्स है जो अलग होते हैं। इसीलिए आपको बार बार बोलती हूँ कि टेबल पढ़ने से चीज़ें जल्दी लर्न हो जाती, क्योंकि आपको उनमें सेलेक्टेड वर्ड ही याद करने होते। जिसे याद दे रखा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो रैपिड, बहुत तेज़ी से चलने वाला प्रोसेस है, ये जो होता है वो स्लोली चलता है। इट टेक्स प्लेस इन ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये जो चलेगा वो बोर्ड डायरेक्शन में चलेगा। तो आपको पता है कि पैसिव इधर पढ़ना है, एक्टिव इधर लिखना है। एक्टिव में ये रैपिड है, ये स्लो है, ये एक ही डायरेक्शन में चलेगा, ये दोनों डायरेक्शन में चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये टेबल आपको बनानी है ताकि आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस समझ में आ जाए। तो ये चीज़ आपको बना देना नोट्स में, और क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन वापस आता है तब आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। इट रिक्वायर्स एनर्जी ऑफ ATP, ये जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं एक्टिव प्रोसेस, ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायर होती है, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, यहाँ पर रिक्वायरमेंट इसकी नहीं होती है। उसके बाद है, इट कैन मूव मटेरियल्स थ्रू अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर जो मटेरियल्स का मूवमेंट होता है वो एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये कि उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, वो हायर कंसंट्रेशन वाला है या वो लोअर कंसंट्रेशन वाला है, उसके बेस पर होता है। बट यहाँ क्या होता है, इट कैन मूव सब्सटेंस अक्रॉस अ बायो मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर होता है। ठीक है, अब ये कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड, यहाँ पर कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कैरियर प्रोटीन वो होते हैं जो वाहक के रूप में काम करते हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल को अपने, कैरियर प्रोटीन मतलब वो प्रोटीन जो किसी अदर मिनरल्स को अपने ऊपर लेकर अंदर आ रहे हैं, तो उन्होंने वो मिनरल्स के लिए वो प्रोटीन क्या बन गया, वाहक बना, वाहक यानी लेके आने वाला, तो उसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर इट अकर्स विदाउट कैरियर प्रोटीन, यहाँ पर किसी भी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। इट ब्रिंग्स अबाउट सेलेक्टिव अपटेक ऑफ मटेरियल, ये जो होता है वो क्या करता है, सेलेक्टिव मटेरियल को अपटेक करता है। इट अलाउज ऑल ट्रांजिबल मॉलिक्यूल टू पास थ्रू मेम्ब्रेन, यहाँ पर ऑल मॉलिक्यूल्स का ट्रांजिब होता है, यहाँ पर सेलेक्टिव, यहाँ पर ऑल। इट इज़ अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर, ये जो होता है वो ऑक्सीजन और प्रेशर से अफेक्ट होता है। ये जो प्रोसेस होता है या ये वाला जो ट्रांसपोर्ट है वो नॉट अफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेशर, ऑक्सीजन और प्रेशर के अकॉर्डिंग इस पर कोई भी अफेक्ट या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट है आप स्टार बनाना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने पहले पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये वाला सारा जो था वो। ठीक है, अब ये जो है
पैसिव एक्टिव वाला ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मटेरियल का मूवमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से एक सेल अपने अंदर कुछ अंदर लेकर डाइजेस्ट करती है उसको, या कौन सी सेल को किस मिनरल, किस न्यूट्रिएंट या किस अदर पार्टिकल की ज़रूरत होती है, वो किस तरह से अंदर लेता है, वो चीज़ पढ़ेंगे। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव में क्या पढ़ा हमने कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है, जिसकी वजह से सॉलिड, लिक्विड, गैस सारे मॉलिक्यूल एक मेम्ब्रेन के पास आउट, क्रॉस आउट करके किस तरह से अंदर आ जाते हैं या किस तरह से बाहर जाते हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस दो चीज़ें हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। जैसे उसमें था एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, तो उसी तरह से एंडो और एक्सोसाइटोसिस की वजह से या इन दो प्रोसेस की वजह से किस तरह से मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओनली माइक्रोमोलिक्यूल्स, आयन्स और मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स। मतलब ये कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो सिर्फ किसका, ओनली माइक्रोमोलिक्यूल्स को अपने पास आउट होने देता है, आयन्स और मॉलिक्यूल, माइक्रो यानी छोटा, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, बट इट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट मैक्रोमोलिक्यूल। यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मैक्रो यानी बड़े मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकते हैं, खाली कौन आएंगे, माइक्रो, माइक्रो का मतलब बहुत ही स्मॉल साइज के, जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल ही उसके अंदर क्या हो पाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे। तो सीधी सी बात है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में माइक्रोमोलिक्यूल अलाउ होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल अलाउ नहीं होते हैं, सच एज प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड, न्यूक्लिक एसिड एटसेट्रा। इट इज़ बिकॉज दिस मॉलिक्यूल आर लार्जर इन साइज। कौन कौन सी चीज़ें अंदर नहीं आ सकती एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो वो है प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड और न्यूक्लिक एसिड, ये अंदर नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती, इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज दिस मॉलिक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होती है, इसीलिए इनको किस में रखा, मैक्रोमोलिक्यूल में। उसके बाद दे रखा है यहाँ पे साइज, देन द पोर्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये कि इनके मॉलिक्यूल, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड और न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं, वो मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स बने हुए हैं उनकी साइज से बहुत ज़्यादा छोटे, मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्स है वो छोटे हैं, और इन मेम्ब्रेन की, इन मॉलिक्यूल की साइज क्या है, बड़ी है, तो कैसे वो चीज़ अंदर आएगी, नहीं आ पाएगी। इट ऑल्सो कैन नॉट ट्रांसपोर्ट फ्लूड, ड्रॉपलेट्स एंड अदर लार्ज पार्टिकल। ये मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अपने अंदर लार्ज पार्टिकल को भी अंदर नहीं आने देती, जो कि फ्लूड ड्रॉपलेट होते, फ्लूड यानी लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड स्टेट में होते। सच सब्सटेंसेस कैन बी मूव्ड इनटू द सेल बाय एंडोसाइटोसिस और आउट ऑफ द सेल बाय एक्सोसाइटोसिस। इस तरह के सब्सटेंस अगर सेल के अंदर आते हैं या सेल से बाहर निकलते हैं तो वो दो प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, एंडोसाइटोसिस या फिर एक्सोसाइटोसिस। एंडो का मीनिंग है इनटू द सेल, एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग है आउट ऑफ द सेल, आउट फ्रॉम द सेल। अब सबसे पहले हम स्टार्ट क्या करते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था पहले डिफ्यूजन, फिर हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, फिर उसकी कुछ एक्टिविटी पढ़ी। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो पढ़ रहे हैं उसका पहला ए पॉइंट है एंडोसाइटोसिस। क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लार्ज साइज लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल आर टेकन इनसाइड द सेल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। यहाँ पर दे रखा है एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है, एंडो का मीनिंग होता है सेल के इनसाइड लेना, किसी भी सॉलिड पार्टिकल को सेल के इनसाइड लेना, सेल के अंदर ले लेना, एंडोसाइटोसिस कहलाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर जो दे रखा है वो है, वापस आप क्या लिखोगे, पहले लिखोगे ए पॉइंट करके लिख देना एंडोसाइटोसिस, फिर इसमें डेफिनेशन क्या लिखोगे, प्रोसेस बाय विच लार्ज सॉलिड पार्टिकल लिख देना, प्रोसेस बाय विच लार्ज सॉलिड पार्टिकल आर टेकन इनसाइड द सेल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। इनसाइड का मीनिंग ही क्या हो जाता है, सेल के अंदर लेना। अब इसको वापस दो टाइप में डिवाइड किया है, एक है पिनोसाइटोसिस और एक है फेगोसाइटोसिस। किसको डिवाइड किया, एंडोसाइटोसिस यानी सेल को अंदर, सेल के अंदर दूसरे मिनरल्स या दूसरे पार्टिकल को अंदर लेना, दो टाइप का हो जाता है, एक है पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जैसे ये ए वाला पोर्शन है, ये वाला, ये दे रखा है पिनोसाइटोसिस के बारे में, और ये वाला जो दे रखा है वो किसके बारे में दे रखा है, फेगोसाइटोसिस के बारे में। अब आपने सेवेंथ स्टैंडर्ड में लेसन 2 पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसमें एक अमीबा आया था,
कि अमीबा फूड अंदर कैसे लेता है, उसका मैंने एक साइकिल मैंने आपको पढ़ाया था, याद हो अगर तो। और फिर अमीबा का जो फूड का प्रोसेस था वो पूरा बना के हमने उसमें लिखा था फैगोसाइटोसिस, याद है? तो वो ये था कि कैसे अमीबा अपने अंदर फूड लेता है और लेने के बाद उसको डाइजेस्ट करके वापस एक्सक्रीट रूप में, एक्सक्रीट मटेरियल के रूप में किस चीज़ को वो बाहर निकालता है और कैसे निकालता है। अमीबा एक ही सेल्स का बना होता है, उसी सेल से वो खाना अंदर ले रहा है और उसी सेल से वो वापस खाने को बाहर, एक्सक्रीट मटेरियल को, खाना नहीं बोलेंगे उसको हम, अनडाइजेस्टेड पार्ट को वो बॉडी से रिमूव आउट कर रहा है। तो वो था फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ पे फैगोसाइटोसिस फिर से आ रहा है। तो आप सपोज करो, आपने जो डायग्राम आपने इमेजिन किया होगा अमीबा का, जो सेवन स्टैंडर्ड में देखा था बुक में, वही चीज़ है यहाँ पर, वो सेम हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही इसको दिखेगा कोई फूड पार्टिकल या कोई वायरस या बैक्टीरिया या जो भी, जैसे अमीबा को देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये दे रखा है सेल, तो वो सेल यहाँ अमीबा नहीं है, अमीबा की तरह मूवमेंट कर रहा है। तो ये सेल क्या करेगी, जैसे इसको फूड पार्टिकल दिखेगा ये यहाँ पे बना देगी स्यूडोपोडियम, वो उसमें भी था, फिर बनाएगा पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर, जो मैटर बाहर से आ रहा है वो इस तरह से कैविटी में फंस जाएगा, क्योंकि उसने क्या बना दिए दोनों तरफ, स्यूडोपोड। स्यूडोपोड का मीनिंग होता है स्यूडो यानी फॉल्स, पोडियम का मीनिंग होता है फूड। फिर बना के इस कैविटी में मैटर को फंसा देगा, फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर आ जाएगा, धीरे धीरे ये पूरा बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद ये अंदर के अंदर क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम फैगोसोम। अब पिनोसाइटोसिस क्या होता है, ये तो था फैगोसाइटोसिस, साइटो का मीनिंग होता है सेल, और ये है पिनोसाइटोसिस। इसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड, बाहर सेलुलर फ्लूड है, अंदर क्या है, ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू इन चीज़ों को अंदर आना है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन रिसेप्टर, यहाँ पे साइटोप्लाज्म यानी सेल का लिक्विड भरा हुआ है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को अंदर लाएगी, फिर क्या होगा, इनवेजिनेटेड मेम्ब्रेन, धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन ने इस तरह का शेप बना दिया, लगभग सिमिलर चल रहा है, इसने भी ऐसा शेप बनाया, इसने भी मेम्ब्रेन ने कर्व होकर ऐसा शेप बनाया जिसमें ये सारे पार्टिकल अंदर आ जाए। और फिर वही चीज़ें वापस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी वो नॉर्मल शेप में आ गई, और जो अदर पार्टिकल थे जो बाहर से आए वो अंदर की तरफ आ गए। तो इसको हम बोलते हैं पिनोसाइटोसिस वेसिकल, और ये बोलते हैं इसको फैगोसोम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसकी डेफिनेशन लिख के एंडोसाइटोसिस के बाद में ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करने, लिखने से तो डायग्राम जल्दी बन जाते, तो आप ये लिख देना, उसके बाद आप चाहो तो पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन लिख देना। नोन एज सेल ड्रिंकिंग, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इन्वॉल्व इनटेक द लार्ज साइज लिक्विड न्यूट्रिएंट वाइल द सेल शोइंग पिनोसाइटोसिस इज कॉल्ड पिनोसाइट। जो सेल पिनोसाइटोसिस मूवमेंट को शो करती है उसको पिनोसाइटी बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस ये जो है वो सेल ईटिंग इज द प्रोसेस बाय विच, ये जो है वो क्या है, सेल ड्रिंकिंग, आप ऐसे लिख देना, नोन एज सेल ड्रिंकिंग, ये क्या है, नोन एज सेल ईटिंग, इतना याद रखना और फिर डायग्राम बना देना। नेक्स्ट आगे का कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, आगे हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी पढ़ना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर पढ़े थे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जिसका हम 8 पार्ट कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हमने भारत के जो फिजिकल फीचर्स दे रखे थे ऑलमोस्ट सारे हो गए थे, लास्ट 2 फीचर्स, उसमें भी लास्ट कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़े थे और एक और बचा था आइलैंड, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। कोस्टल प्लेन्स के अंदर फर्स्ट जो था वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, उसको हमने देख लिया था। नेक्स्ट उसमें सेकेंड पार्ट दे रखा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, उसके बारे में हम आज कंटिन्यू करेंगे। क्या होता है देखो, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज 50-60 किलोमीटर। देखो मैंने उस दिन भी बताया था आपको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो होता है वो क्या होता है, नेरो होता है, यानी कि सकड़ा होता है, और ये क्या होता है, थोड़ा सा उससे ब्रॉडर यानी कि चौड़ा होता है। तो यहाँ पर दे रखा उसके ऊपर कितना दे रखा है, 10-15 किलोमीटर दे रखा था, और यहाँ पर 50-60 किलोमीटर। वाइड एंड ब्रॉडर देन वेस्टर्न कोस्टल प्लान, दिस प्लान अलोंग साइड द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल्ड। क्या दे रखा है, ये किस साइड पर है, अलोंग साइड ऑफ बे ऑफ बंगाल आर वाइड, वाइड यानी कि चौड़ा, एंड लेवल्ड, लेवल्ड का मतलब होता है समतल यानी कि समान। The northern part is known as the Northern Sarkar, whereas the southern part is known as the Coromandel Coast। अंडरलाइन कर देना आप इसको, क्या दे रखा है, नॉर्थन पार्ट को यहाँ पर किस नाम से जानता है, नॉर्थन सरकार के नाम से जानते हैं अपन, whereas the southern part, और southern part को हम Coromandel Coast के नाम से जानते हैं। On this coast extensive delta is are informed by large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri। और यहाँ पर इस तट के ऊपर क्या बनते हैं, बहुत बड़े डेल्टा, जहाँ पर 2 या 3 नदियों का जो संगम होता है, नदियों का, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, आप लोगों नाम भी सुना सुंदरबन डेल्टा, उस प्रकार से यहाँ पर भी महानदी गोदावरी और कृष्णा रिवर्स का और कावेरी रिवर्स का क्या बनता है, डेल्टा यहाँ पर
बनता है। एन इम्पोर्टेंट फीचर्स हियर इज द सोल्ट वाटर लेक अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता इस प्लेन की, कोस्टल प्लेन्स के बारे में तो क्या दे रखा है, इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या दे रखी है, यहाँ पर एक खारे पानी की झील भी है जो कहाँ पर है, ईस्टर्न कोस्ट में स्थित है। देखो यहाँ पर दे रखा है नॉलेज बॉक्स के अंदर, द चिलिका लेक इज द स्टेट ऑफ ओडिशा इज द लार्जेस्ट सोल्ट वाटर लेक इन इंडिया। आपसे जीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कौन सी है, तो इसमें आंसर आपका क्या आएगा, चिलिका लेक। और कौन से स्टेट के अंदर है, तो ओडिशा स्टेट के अंदर। और कौन से प्लेन के साइड में स्थित है, ईस्टर्न कोस्ट के यहाँ पर अलोंग साइड दे रखा, अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। आप इसको अंडरलाइन कर देना और नोट्स बनाते हो तो उसमें मेंशन भी करना। अब लास्ट इसके अंदर फिजिकल फीचर्स दे रखा है आपके, द आइलैंड। आइलैंड क्या होते हैं, जो द्वीप समूह होते हैं, छोटे छोटे द्वीपों के जो समूह होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट दे रखा है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, कहा जाता है लक्षद्वीप को लाखों द्वीपों का समूह कहा जाता है, उसका नाम भी ऐसे ही पड़ा है, लक्षद्वीप लाखों द्वीपों का समूह। इट लाइज क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला, ये कहाँ पर स्थित है, मालाबार कोस्ट पर, जो कहाँ पर है, केरला के अंदर है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज मेड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। देखो क्या दे रखा है, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। सब कुछ बच्चों के माइंड्स में आ रहा है कि कोरल आइलैंड्स क्या होते हैं, कोरल आइलैंड्स का मतलब होता है मूंगा द्वीप। मूंगा द्वीप क्या होते हैं, मूंगे की शेप के होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जेंट्स रिंग पहनते हैं मूंगे की शेप की, उसी प्रकार से इसका शेप होता है, यानी कि जो सागर का तल होता है उससे क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठे हुए होते हैं। और ये छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर क्या बनाते हैं, बड़े आइलैंड्स का निर्माण करते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर कोरल आइलैंड्स पाए जाते हैं। दिस आइलैंड्स वर अर्लियर नोन एज, अब इन्हीं आइलैंड्स के अलग अलग नाम थे, लैकेडीव, मिनिकोए एंड एमिनदीव। इन 1973 दिस वर रीनेम्ड एज लक्षद्वीप। और 1973 के अंदर अंडरलाइन करना, पहले इनको किस नाम से जाना जाता था, लैकेडीव, मिनिकोए एंड एमिनदीव, और उसके बाद 1973 में इसका क्या कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया और इसको क्या नाम दिया गया, लक्षद्वीप नाम दिया गया। दे स्ट्रेच ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 square kilometers, ये कितना एरिया कवर करता है, 32 square kilometers। कवर्ती आइलैंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप, अंडरलाइन करना, यह लक्षद्वीप का प्रशासनिक हेडक्वार्टर, यानी कि लक्षद्वीप के सारे जो काम, सॉरी कवर्ती आइलैंड जो दे रखा है, कवर्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। कवर्ती, आप लोगों ने नाम सुना है कवर्ती, लक्षद्वीप की कैपिटल के रूप में इसको जाना जाता है। और ये यहाँ पर इसका क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, यानी कि सारे प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो यहाँ से होते हैं। जैसे आप लोगों को राजस्थान के बारे में पूछा जाए, राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या आंसर दोगे उसमें, जयपुर जो राजधानी है वहाँ पर काम होता है। तो यहाँ पर भी इसका ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर यहाँ पर है। दिस आइलैंड ग्रुप इज डाइवर्सिफाइड फ्लोरा एंड फोना, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा फ्लोरा एंड फोना, यानी कि अलग अलग टाइप के यहाँ पर एनिमल्स और वेजिटेशन पाए जाते हैं। द अनइनहेबिटेड पिटी आइलैंड हैज अ बर्ड सेंचुरी, अंडरलाइन करना इसको, इस आइलैंड के अंदर पिटी नाम, पिटी आइलैंड पर एक बर्ड सेंचुरी भी बनाई हुई है। पीछे एक क्वेश्चन भी हो सकता है आपके बना हुआ, नहीं तो जीके का क्वेश्चन बन सकता है। इसको आप नोटबुक में जब मेंशन करते हो नोट्स के रूप में, तो आपको ये भी मेंशन करना है ऑलमोस्ट, इसका यहाँ से लिखना आप, दिस आइलैंड वर अर्ली नोन एज, दिस आइलैंड की जगह आप क्या कर लोगे, लक्षद्वीप आइलैंड वर अर्लियर नोन एज लैकेडीव, मिनिकोए एंड एमिनदीव। और रीनेम्ड इसको कब किया गया था, 1973 में। उसके बाद इसका ये हेडक्वार्टर, कवर्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप एंड द अनइनहेबिटेड पिटी आइलैंड हैज अ बर्ड सेंचुरी, यहाँ पर पिटी आइलैंड पर एक बर्ड सेंचुरी भी बनी हुई है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है, फर्स्ट अपन ने किसके बारे में पढ़ा, लक्षद्वीप के बारे में, और लास्ट इस लेसन का लास्ट पॉइंट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर नोन एज अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या दे रखा है, इलोंगेटेड चेन, यानी कि क्रमबद्ध जो चेन होती है, ये कहाँ पर स्थित है, लोकेटेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ टू साउथ, नोन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हम जब मैप भरते हैं तो मैप की इस साइड पर लास्ट में हम जो शो करते हैं मेंशन, बिल्कुल लास्ट कॉर्नर के इधर छोटे छोटे आपको बिल्कुल एकदम टेढ़े मेढ़े शेप्स दे रखे हैं, वहाँ पर हम फिल करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब आप सोचो वो कितना कितना एरिया दे रखा है उसका, मैप में भी अपने को पता चल रहा है।
दे आर बिगर आर मोर न्यूमरस एंड स्केटेड. क्या दे रखा है? दे आर, ये जो लैंड आइलैंड बने हुए हैं वो बड़े भी हैं और क्या दे रखा है, न्यूमरस मात्रा में भी ज़्यादा, और स्केटेड का मतलब होता है बिखरे हुए. आप लोग मैप में भी जब उसकी पोजिशन देखोगे तो आपको वो थोड़े थोड़े से दूर दिखाई देते हैं, यानी कि वो बिखरे हुए हैं. द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. अब इनको भी वापस टू कैटेगरीज में बांटा गया है. द अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ. अंडमान कहाँ पर आता है? नॉर्थ के अंदर, और निकोबार साउथ के अंदर. इट इज बिलीव्ड दैट दिस आइलैंड आर एन अपलैंड पोर्शन ऑफ सब मेरिन माउंटेन्स. क्या दे रखा है? इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड बने हुए हैं पोर्शन ऑफ सब मेरिन माउंटेन्स. सब मेरिन जो समुद्री पहाड़ियाँ जो ऐसी कुछ होगी उससे इनका निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है. इंडियाज, अंडरलाइन करना, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन मेरिन आइलैंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? मेरिन आइलैंड, जो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर. पूरे भारत में कहीं पर भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, सिर्फ भारत में यहीं पर एक्टिव वोल्केनो है. कहाँ पर है? मेरिन आइलैंड के अंदर, जो कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर है. These island groups are of great strategic importance for the country. Strategic importance का मतलब military, सेना के रूप से भी इसकी बहुत ज़्यादा, सैनिक शक्तियों के रूप में भी इसकी बहुत ज़्यादा importance है. They have great diversity of flora and fauna. यहाँ पर भी diversity यानी कि अलग अलग प्रकार के animals और vegetation से यहाँ पर भी पाए जाते हैं. Since it is lie close to the equator, उसके अलावा ये इक्वेटर के पास में, यानी कि भूमध्य रेखा जो निकलती है, आप लोगों को मैंने बताया इक्वेटर, जब हम सर्कल बनाते हैं तो उसके बीच की जो लाइन खींची जाती है इक्वेटर रेखा, ये कहाँ पर? इक्वेटर रेखा के पास में स्थित है. दे एक्सपीरियंस इक्वेटर क्लाइमेट एंड हैव अ थिक फॉरेस्ट कवर. और ये क्या करता है? इक्वेटर क्लाइमेट यानी कि इसका जो क्लाइमेट होता है वो भी एकदम समान होता है, और यहाँ पर फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, ये कह सकते हैं कि जंगल जिसको कहते हैं, बहुत पेड़ों का घनत्व यहाँ पर क्या है? बहुत ज़्यादा है. ये पूरा एरिया वहाँ पर कवर्ड है. तो यहाँ पर ये इस लेसन के अंदर जो भी अपने फिजिकल फीचर्स दे रखे थे, 6 फिजिकल फीचर्स दे रखे थे, उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया. आप इनके नोट्स बना लेना, और क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है. एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, वो सारे कम्प्लीटली नोटबुक के अंदर करने हैं. और पीछे कुछ अदर क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उसमें से भी आपके वन वन लाइन के क्वेश्चन ही है. तो क्वेश्चन आंसर जो दे रखे हैं, दूसरे क्वेश्चन आंसर को आपको नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर दे रखे वो आप नोटबुक में कर लेना. थैंक यू.